नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। तमाम सड़क पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, पीएलए के जवानों ने की हाथापाई। होशियारी ने दिए गवर्नर छोड़ने के संकेत, गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपनी टिप्पणी पर किया खेद। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक हुआ पास, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का दायरा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। राजगढ़ जिले में 48 छात्रों से भरी बस पलटी, दो की मौत, कई घायल, पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी छात्र। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ का नतीजा, इंडिगो ने यात्रियों से 3.5 घंटे पहले पहुँचने की अपील। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज है नवा दिन, आज शामिल होंगे गहलोत और पायलट। पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला करने वाले आरोपी को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया। भारत चीन तनाव पर सदन में हो रही चर्चा, पीएम मोदी जारी करे बयान, खड़गे का कहना। उत्तर कर्नाटक की 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओबीसी की पार्टी। तमिलनाडु के 3 जिलों में भारी बारिश के बाद स्कूलों में दी गई छुट्टियां।